सो आपको फर्स्ट काइल मास्टर ओपन कर लेना है एंड देन 69 रेशियो का लेना है। सो न्यू प्रोजेक्ट करना है एंड देन आपको बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है और इसका कलर चेंज कर लेना है, ग्रीन कर लेना है बैकग्राउंड कलर। सो सिंपली मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ और ग्रीन कलर कर दिया है और उसको एक्सटेंड करने का है। उसके बाद हमें एक पिक्चर लेना है, वो आपको गूगल पे से मिल जाएगी, ये आपको देखना है एंड देन उसके बाद उसका एक्शन कर लेना है। सो फिर मीडिया पे जाने का है, आपको एक वीडियो सिलेक्ट करने का है जो कि कुछ बड़ा वीडियो हो, मतलब 15 सेकेंड्स के ऊपर या फिर 20 सेकेंड तक वीडियो होनी चाहिए आपकी। देन आपको जस्ट एडजस्ट कर लेना है एंड उसके बाद आपको जाके क्रॉप टूल पे जाके आपको जस्ट वीडियो को क्रॉप कर लेना है अच्छे से एकदम। सो मैं क्रॉप कर रहा हूँ अभी, वो उसके अंदर ही क्रॉप कर लेना है और मैंने क्रॉप कर दिया है। सो ऐसा कुछ वीडियो दिखेगा आपको उसके बाद एंड देन वो वीडियो की क्लिप को कट कर देना है, मीन्स एडजस्ट करके कट कर देना है बाद में। सो अभी मैं वीडियो की क्लिप को ऊपर कट कर रहा हूँ, उसके बाद वो वीडियो को सेव कर लेना है आपके गैलरी में। सेव का ऑप्शन वहाँ पे है, आपको जस्ट सिंपली सेव करना है, वापस 16:9 में आना है एंड देन आपकी वही वाले वीडियो को सिलेक्ट करना है जो आपने सेव किया था। उसके बाद ये वीडियो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। उसके बाद फिर आपको जूम ऑप्शन पे आने का है, पेन एंड जूम, आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके स्मॉल कर देना है एंड वो ऐसा बिग होता जाएगा धीरे धीरे, और लास्ट ऑप्शन पे गए ना फिर लास्ट के ऑप्शन पे आना है, उसमें ही जाना है एंड और जूम कर लेना है, मीन्स फुल एकदम फ्रेम जूम कर लेना है आपको। सो मेरी कुछ क्लिप अच्छे से बराबर बनी नहीं है, सो आपको कट कर लेना है एंड आपको वापिस से जूम कर लेना है एक बार, उधर एंड में जाके नीचे वाले ऑप्शन में जाके आपको जूम कर लेना है। सो ऐसा जूम कर लेना है कुछ तो आपका वीडियो ऐसा कुछ दिखेगा उसके बाद। सो इसका फिर उसके बाद बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है आपको, और बैकग्राउंड भी ग्रीन कलर का ही रहना चाहिए। उसके बाद फिर बैकग्राउंड को एनिमेशन करना है, और वो बैकग्राउंड को धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है, ऐसा आपको कर लेना है क्योंकि जब आपको पूरा ग्रीन स्क्रीन दिखना चाहिए उसके बाजू में, इसके लिए पूरा एनिमेशन कर लेना है। अभी हम एनिमेशन कर रहे हैं, आप पूरा वीडियो एनिमेशन का देखो, आपको समझ जाएगा आपको कैसे एनिमेशन करना है। आप ये ट्रिक यूज़ भी कर सकते हो आपको इंस्टाग्राम आईडी में लगाने के लिए, क्योंकि ऐसे एट्रैक्टिव वीडियो और ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा है आजकल, तो ऐसे कुछ बना सकते हो आप और रील्स पे डाल सकते हो आपके। सो आपको सब ग्रीन कर देना है। सो अभी मैं सब आपको एडजस्ट करके बताता हूँ। सो आपको ऐसा कुछ कर लेने का है एंड फुल ग्रीन स्क्रीन कर लेना है आपको आपके वीडियो में। सो ऐसा कुछ दिखेगा आपको
एकदम अमेजिंग। उसके बाद आपको सेव कर, आपको वीडियो का सेव कर लेना है, उसके बाद वही वापस रेशो में आना है, एंड देन उसके बाद फिर आपको एक अलग सा वीडियो लेने का है। ये मैं गलती से ले लिया है, और आपको अलग सा वीडियो ले लेने का है पहले, उसके पहले क्लिप के पहले। सो मैं कुछ अभी अलग सी वीडियो चूज़ करने वाला हूँ, तो ये हमारी वीडियो है। सो इसके बाद हमें वही सेकेंड लेयर उसके नीचे लेयर डालना है, वो वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जो आप हमने शेयर किया था, मैंने सेव कर लिया था, वो वीडियो को नीचे लाना है, एंड क्रोमा ब्राउज़र में जाना है, क्रोमा की में जाना है, एंड इनेबल कर देना है, और थोड़ा सा एट्रैक्टिव बनाने का, एंड देन ऐसा कुछ आपको दिखेगा एकदम प्रॉपर वे में। तो आपको लास्ट के ऑप्शन में जाना है, एंड एनिमेशन के ऑप्शन में जाना है, डस्टबिन के ऊपर है, एंड उसको जूम कर लेना है, फुल एकदम जूम कर ले कर लेना है आपको, और ये जूम हो गया आपका, तो आपको और अच्छे से दिखेगा। सो ऐसा कुछ आएगा, एंड देन जूम हो जाएगा उसका, प्रॉपर ऐसा लग रहा है, एंड देन उसके बाद आपको वही सेम वीडियो आगे आपको कंटिन्यू करने का है। सो उसके लिए मैं बोला था आपको 15 सेकंड के ऊपर वीडियो होनी चाहिए, सो ऐसा ही कुछ आपको दिखेगा। सो ऐसा जूम होने के बाद वही आ रहा है, एंड देन आपको सिंपली इफेक्ट्स में जाके आपका नेट चालू करना है, एंड देन सॉरी और देन गेट मोर पे जाना है आपको, एंड देन वहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, तो आपको ब्लर ऑप्शन में जाना है, एंड ये इफेक्ट को चूज़ कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है आपके काइन मास्टर में। मैंने इंस्टॉल करके रखा है पहले से ही, तो आपको ये यूज़ कर लेना है, यूज़ सिंपल है, यूज़ करना कुछ नहीं, खाली क्लिक कर लेना है, वो इफेक्ट आ जाएगा आपको, और देन आपको इफेक्ट को फुल फ्रेम में कर लेना है, एंड देन आपको इफेक्ट बीच में से कट कर लेना है, तो आपका ऐसा फिर एकदम प्रॉपर हो जाएगा। सो ऐसा कुछ दिखेगा आपको एकदम प्रॉपर वे में। सो ऐसा कुछ आपको क्लिप दिखेगा आपका, एंड देन आपको और एक चीज़ कर लेना है, सो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सो आपको जो आपने एनिमेशन किया था उसमें जाना है, इन एनिमेशन में जाके फेयर में डालना है उसको, क्योंकि वो बीच में आ रहा था, इसलिए फेयर ऑप्शन में आराम से आता है वो उधर से, एंड देन आपको जूम कर देता है वो, तो आपको ये ऐसा कुछ आपको अलग करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, तभी आपका इंस्टाग्राम रील चलेगा, एंड उसको सेव कर लेना है।